मैं आपके सामने एक कहानी पेश करूंगा। यह कहानी है अमना की। अमना एक बेहद खूबसूरत लड़की है जो पंजाब से है, और वो लुधियाना, जलंधर, अमृतसर वाले पंजाब से नहीं है। वो एक जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जिसे हम दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, उस पंजाब से है। वो लाहौर से है और वो पेशे से एक फोटो जर्नलिस्ट है। 27 साल की उम्र है उसकी, और वो इंडिया के बारे में बहुत इंटरेस्ट रखती है, और उसकी एक दिली इच्छा है कि वो दिल्ली आए और दिल्ली के नज़ारे देखे कि दिल्ली का माहौल कैसा है। उसने खबरों में बहुत सुना है, वो फोटो जर्नलिस्ट है, जब भी वो कहीं जाती है उसकी फोटो उतार लेती है, और वो चाहती है कि वो दिल्ली में आए और गलियों में, मार्केट्स में, सब जगह जाकर देखे कि दिल्ली का माहौल कैसा है। तो वो अपने अम्मी और अब्बू के पास जाती है और कहती है, अम्मी मैं इंडिया जाना चाहती हूँ। वो कहती, इंडिया क्यों जाना चाहती? मैं दिल्ली देखना चाहती हूँ, दिल्ली के बाजार देखना चाहती हूँ, दिल्ली की लड़कियां देखना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि दिल्ली में लड़कियां आजकल बहुत महफूज हैं, वो माइक्रोमिनीज और स्पेगेटी स्ट्रैप्स पहनकर कहीं भी जा सकती हैं, ना कोई इनको स्टेयर करता है, ना कोई इनको जज करता है। तो तभी अमना के अब्बू बोले, नहीं नहीं, दिल्ली महफूज नहीं है लड़कियों के लिए, लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, अंधेरे के बाद वो बिल्कुल बाहर नहीं जा सकती, अपने आप को महफूज नहीं समझती। अमना कहती, नहीं अब्बू ये गलत है, मैंने बहुत सुना है कि अब दिल्ली बदल चुकी है, अब इंडिया बदल चुका है। तो किसी तरह अम्मी अब्बू को मनाकर अमना ने इंडिया का वीजा लगवाया। बहुत खुश थी, बहुत तैयारियां की, नई नई उसने ड्रेसेस ली। ड्रेसेस थोड़ी बड़ी इसलिए क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, वो 5 महीने से प्रेग्नेंट थी। फिर भी उसने इंडिया आने का ट्रिप डिले नहीं किया, उसने कहा कि मैं इंडिया जाऊंगी। उसने इंटरनेट पर जाकर देखा और उसको वो बहुत अमन पसंद है। जब से मियां नवाज शरीफ गए और उनकी जगह मियां इमरान खान जी तख्त नशीन हुए हैं वजीर आजम की गद्दी पर, तो उन्होंने अमन का एक सौगात और एक संदेश भेजा, और अमना को भी बहुत उम्मीद है कि इंडिया और पाकिस्तान में अब अमन आएगा। तो अमन से वो इतना प्रभावित है तो उसने कहा कि मैं अपने बाजू पर एक अमन का टैटू बनवा लेती हूँ। और उसने जानना चाहा कि अमन को हिंदी में क्या कहते हैं, अमन को हिंदी में शांति कहते हैं। तो वो गूगल पर गई और उसने वहां से देवनागरी लिपि में शांति अक्षर डाउनलोड किया शब्द, और वो एक टैटू वाले के पास गई। उसने कहा कि आप पहले हिंदी में शांति लिख दीजिए टैटू में, और फिर शाहमुखी जो कि उर्दू की स्क्रिप्ट है उसमें अमन लिख दीजिए। तो टैटू वाला कहता है कि मुझे तो शाहमुखी आती है, पहले मैं शाहमुखी में लिख देता हूं, उसके बाद मैं हिंदी में लिख दूंगा। और वो टैटू वाला बैठा था एक मस्जिद के बाहर, जुम्मे का दिन था और हजारों सर पाक परवरदिगार के सजदे में झुके हुए थे, सफेद कुर्ते पजामे, सफेद टोपियां, और उस खुदा की शान में झुके हुए। और इधर वो टैटू वाला टैटू बना रहा था, और जैसे ही उसने शाहमुखी में अमन का टैटू पूरा शब्द लिखा, अचानक से एक जोरदार धमाका हुआ और सब जगह अफरा तफरी फैल गई। ऐसे लगा जैसे किसी ने बम फोड़ दिया, तो सब लोग चिल्लाने लगे, भागने लगे। अमना भी वहां से इधर उधर भागी अपने आप को बचाते हुए, पर फोटो जर्नलिस्ट जो ठहरी, भागते हुए लोगों की उसने तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। वो पड़ी हुई चप्पलें, गिरते हुए लोग, लहूलुहान, सबकी उसने फोटो खींची, और अमन उन तस्वीरों में कहीं दब गया। लेकिन फिर भी अमना ने हिम्मत नहीं हारी। वो नियत दिन जिस दिन तय था उस दिन वो बस में सवार हुई और इंडिया के लिए आई। वो बस इंडिया के बॉर्डर में जब क्रॉस हुई तो उसे एक ऐसी खुशी मिली जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की। जब वो बस पंजाब के लहलहाते खेतों से गुजरी तो उसने वहां भी उसकी सभी फोटोएं खींचनी शुरू कर दी। उसे लगा कि शायद वो अपने एक अलग घर में आ गई।
लेकिन वो बस जब पंजाब के बॉर्डर से आगे गुजरी और हरियाणा की तरफ गई तो वहां पर एक और स्टोरी का अंग है। एक रामपाल नाम का किसान था जिसके पास गायें थी और वो गायें बूढ़ी हो चली थी और वो चाहता था उन गायों की, क्योंकि वो रखरखाव नहीं कर सकता, देखभाल नहीं कर सकता, उनको किसी के सुपुर्द कर दे जो कि उनका ख्याल रख सके। और वो देश में फैले माहौल को जानता था। उसने अपने घर से, जो कि हरियाणा में था, वहां से राजस्थान, जहां पर गौशाला थी, जहां पर उसने उन गायों को सुपुर्द करना था, वहां तक के रस्ते में जितने भी पुलिस थाने पड़ते थे, उसने उन सब पुलिस थानों को एक चिट्ठी लिखी, एक दरख्वास्त लिखी कि फला तारीख को हम इन बूढ़ी गायों को ट्रक में भर के एक गौशाला में के सुपुर्द करने जा रहे हैं, हमें हिफाजत दी जाए और पूरे रस्ते में यह सुनिश्चित किया जाए कि हम ठीक ठाक गौशाला तक पहुंच जाएं और गायों को वहां सुपुर्द कर दें। उन्होंने गौशाला को भी चिट्ठी लिखी और वापस में जवाब में उनकी एक चिट्ठी आई जिसमें लिखा था कि इस गौशाला में रामपाल इतनी गायों को सुपुर्द करने जा रहा है जो कि बूढ़ी हैं, जिनका वो रखरखाव नहीं कर सकता, और इन्हें जाने दिया जाए, इन्हें तंग ना किया जाए। तो रामपाल ट्रक में लखनपाल, जो कि उसका क्लीनर था, उसको साथ बिठा के गायों के साथ चल पड़ा। और रास्ते में वहां पर कुछ मुसलमान भाई सबको शरबत पिला रहे थे, तो उन्होंने उसके ट्रक को रोका, वो उतरा, लखनपाल और रामपाल दोनों ने शरबत पिया। और उन मुसलमान भाइयों में एक लड़का भी था जिसका नाम अल्लाह रखा था। उन्होंने कहा कि आप कहां जा रहे हैं? रामपाल ने कहा हम राजस्थान में जा रहे हैं और ये गौशाला में हमने गायों को सुपुर्द करना है। तो उन्होंने कहा आप अल्लाह रखा को भी साथ ले जाइए, इसने भी राजस्थान में जाना है, इसका घर वहां है। उन्होंने अल्लाह रखा को साथ बिठा लिया। जुम्मे का दिन था, वो भी नमाज पढ़ के आया था, सर पे टोपी, सफेद कुर्ता पजामा। और वो ट्रक जब जा रहा था, रस्ते में बलवाई आ गए, वहां दंगा हो रहा था, और उधर अमना की बस भी उसी रस्ते में वहीं आ पहुंची। और उस अफरा तफरी के माहौल में ड्राइवर ने कहा कि मैं तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा नहीं ले सकता, आप लोग जहां जाना चाहें, जैसे जाना चाहें जा सकते हैं। और इस अफरा तफरी में अमना उतरी बस से और वो भी इधर उधर भागने लगी। उसने रामपाल का ट्रक को देखा, उसने इशारा किया और रामपाल ने ट्रक रोक दिया। तो उसने पूछा कि तुम कौन हो और कहां जा रही हो? उसने कहा मुझे दिल्ली जाना है। रामपाल ने कहा मैं दिल्ली तो हमें तुम्हें नहीं पहुंचा सकता, पर हम राजस्थान जा रहे हैं, अभी यहां का माहौल ठीक नहीं है, आप हमारे साथ चलो। राजस्थान से, जयपुर से दिल्ली की बहुत बसें आती हैं, आप कुछ घंटों में दिल्ली पहुंच जाओ। तो अमना ट्रक के पीछे सवार होगी क्योंकि आगे अल्लाह रखा भी था, लखनपाल था और रामपाल खुद ड्राइव कर रहा था। अभी ट्रक कुछ कदम आगे ही चला होगा कि कुछ दंगाई आ गए। उन्होंने देखा कि ट्रक में गायें हैं, सामने देखा एक मुसलमान बैठा है, सर पे टोपी पहनी है। उन्होंने कहा ये जरूर बूचड़ खाने ले जा रहे हैं इन गायों को कत्ल करने के लिए। उन्होंने रामपाल को गर्दन से पकड़ के नीचे उतार लिया और उसे पीटने लगे। रामपाल ने सभी कागज दिखाए, कहा गौशाला की चिट्ठी भी है, हमने पुलिस थानों को भी लिखा है, हम इन गायों को गौशाला ले जा रहे हैं, हम इनको कत्ल करने नहीं ले जा रहे हैं। पर उन्होंने एक ना सुनी, उन्होंने कहा ये सब मुसलमान हैं, इन्हें मार दो, ये गायों को कत्ल करने के लिए ले जा रहे हैं। उन्होंने रामपाल को भी पीट पीट कर वहीं खत्म कर दिया, लखनपाल को भी और अल्लाह रखा को भी। फिर उन्होंने पीछे देखा एक लड़की है, उन्होंने पूछा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम अमना है। उन्होंने कहा तुम कहां से हो? उसने कहा मैं पाकिस्तान से हूं। उन्होंने उसके बाजू पर देखा एक उर्दू में टैटू लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा ये तो आतंकवादी है, ये सभी आतंकवादी थे। तो उन्होंने अमना को भी घसीटकर नीचे उतार दिया। और जो एक दुश्मन मुल्क की आतंकवादी महिला के साथ जायज है, उन्होंने वो उसके साथ किया। उसके कपड़े फाड़कर उसको निर्वस्त्र कर दिया गया और सामूहिक बलात्कार किया। फिर भी उनका मन नहीं भरा, उन्होंने कहा कि इस का कोई भी एविडेंस, कोई भी साक्ष्य
बाकी नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अमना के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे आग में भेंट कर दिया। किसी ने देखा कि वो प्रेग्नेंट थी, उसका पेट में तलवार डाल के बच्चे को भी निकाल के आग में डाल दिया गया। और नाकाबिल वहां से जा रहा था, उसने ये सब मंजर देखा, पर वो कायर और बुजदिल था, वो उनको रोक नहीं पाया। वहां पर जय श्री राम, गौ हमारी माता है और भारत माता की जय हो रही थी, और नाकाबिल सोच रहा था वो अमना भी तो माँ थी। वहां उसने देखा कि अमना की बाजू का एक टुकड़ा जिस पर अमन लिखा था वो जलने से बच गया था। तो मैंने वो उठाया और जमीन में एक गड्ढा खोदा और उसको दफन कर दिया। मैं उस दिन अमना को नहीं, अमन को दफन कर दिया। और सोच रहा था कि अल्लाह रखा को अल्लाह नहीं बचा पाया, रामपाल और लखनपाल को राम नहीं बचा पाया, और अमना को अमन नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि जो गोरक्षक दल के लोग आए थे, जिन्होंने वो दंगा किया और जो नजारा जो था वो घटित किया, मैं एक मां रक्षक दल बनाना चाहता हूं जिसमें अमना जैसी मां जो अमन चाहती है उसकी रक्षा हो सके। मेरा मां रक्षक दल उस मां की रक्षा करेगा जो अस्पताल के बाहर दम तोड़ देती है क्योंकि उसको बेड नहीं मिला कि उसके पास आधार कार्ड नहीं। मैं उस मां की रक्षा करना चाहता हूं, मेरा मां रक्षक दल उस मां की रक्षा करना चाहता है जो शौच के लिए बाहर खेत में जाती है और गांव के दबंग से उठा ले जाते हैं और कुकर्म करते हैं। तो क्या आप गोरक्षक दल में भर्ती होना चाहेंगे या मेरे मां रक्षक दल में?